भाई समझा रहा हूँ देखना मेरे में क्या कमी है बता। कमी कुछ भाभी आप दूर इससे बढ़िया मैं मरी जाऊंगा तो ही वो अच्छा रहेगा। तो मर जाओ तायो क्यों हो तो मरो जाके उस समाज में जाके पूछो बड़ी भाभी का इज्जत क्या होता है। कलंक है भाभी के नाम पे इसको समझा समझा के हरी खा गई। इसके समझ में नहीं आता इसका भाई रहता नहीं है यहाँ ठीक है मैं इसको पसंद करती हूँ। भैया को पता चला ना भाभी समझा रहा हूँ मैं आपको जबरदस्ती है कैसे करा लोगे कैसे करा लोगे। हाँ जी दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रकाश बाद इंटरटेनमेंट। दोस्तों मैं प्रकाश ये सोनी भैया हैं ये रोशन भैया हैं जो कि दो तीन दिन से इंस्टा पे मैसेज भी कर रहे हैं तो टाइम मिल नहीं रहा था हमसे तो आज अचानक से इनका कॉल आया कि प्रकाश भैया आपसे मिलना है प्लीज। तो आप पहले ही आए थे इस पार्क में तो हम लोग को थोड़ा लेट हो गया आने में। तो रोशन भैया क्या बात करना है एक बार बताइएगा। मैंने कैमरा लगवा दिया। बात ये है सर मैं डायरेक्टली ऑफिस से ही इधर आ रहा हूँ। अच्छा। और आपकी वीडियो मैं देखता रहता हूँ तो मैंने सोचा अब तो कोई सहारा है नहीं आप ही कोई फ़ोन करके बुलाऊँ तो मैंने सोचा आपसे मिल के ही बात करूँगा। क्या हुआ सर मैं इतना परेशान हूँ कभी कभी मेरा दिल होता है कि मैं आत्महत्या कर लूँ इतना परेशान हूँ मैं। तो फिर क्यों आए हैं मेरे मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर रखी है मेरी ज़िंदगी। गुस्सा दिला रहे हैं सर आप हमको हमारी एक बड़ी बात। पहले रोइए मत बिल्कुल आप सैड सैड नहीं होना है आपको रोना बिल्कुल नहीं है। यार क्या क्या बात कर रहे हो आप आराम पहले आराम से सुकून से तसल्ली से बताइए हर चीज़ जो भी बात है आराम से बताइए। हमारी एक बड़ी भाभी है और वो हमारे घर में रहती मेरा एक बड़ा भाई है वो जॉब करता है महीने में एक दो बार आता है बाकी भाभी अकेली रहती हैं। तो हमारी भाभी हम आप भी जॉब करते हैं जी मैं अपने गांव से 4-5 किलोमीटर पे करता हूँ। अच्छा तो गांव से 2-3 किलोमीटर है। तो हमारी भाभी हमसे कहती है हमारे साथ रिलेशन करो ज़बरदस्ती पकड़ती है। मैं नहा रहा होता हूँ तो ज़बरदस्ती पूछती कि मैं टॉवल लेके आऊँ। छिड़खानी मेरे से बहुत ज़्यादा करती है मेरी कभी गोद में बैठती है। तो हमारे बाबूजी का नाम बहुत है इस गांव में ना मैं अपने बाबूजी से कह सकता हूँ और ना मैं किसी और से कह सकता हूँ हमारे बाबूजी की इज्जत के लिए। क्या है बाबूजी अब हमारे बाबूजी वहाँ के ज़मींदार हैं गाँव के। अच्छा गाँव के ज़मींदार। मैं कुछ कर भी नहीं सकता ना बड़े भाई से कह सकता हूँ। वो कहती है कि मेरे से शादी करो हमारी शादी ऑलरेडी लगी हुई है 3-4 महीने में हमारी शादी होने वाली है। तो मैंने इसलिए आपको बुलाया कि आप ही मेरी कुछ हेल्प कर सकते हो इसलिए मैंने आपको बुलाया। तो इस बारे में अपने भैया से कभी बात नहीं की है? कभी नहीं की है उसमें मेरी बहुत बेइज्जती हो जाएगी हमारी शादी टूट जाएगी हमारे बाबूजी तो मुँह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे हमारे पूरे ख़ानदान में और हमारे पूरे गाँव में बहुत इज्जत है हमारे बाबूजी की इसलिए मैंने आपको यहाँ बुलाया कि जो करोगे आप ही करोगे मेरी थोड़ी सी हेल्प कर सकते हो आप। एक बात पूछे आपसे इस बारे में कभी आपने पापा जी से नहीं जब कोई नहीं वाले मम्मी में किसी से बात नहीं की? नहीं किसी को नहीं किया मैंने सिर्फ आपसे ही डायरेक्ट बात की है क्योंकि आप ही हेल्प कर सकते हो। तो अभी आपकी भाभी आपसे क्या चाहती है? वो ये चाहती है कि जो हमारी शादी लगी हुई है उसको हम तोड़ें और वो मेरे भाई को छोड़ के मेरे से शादी करना चाहती है रिलेशन बनाना चाहती है मुझे हासिल करना चाहती है एक तरीके से। तो आपको समझाना नहीं चाहिए कि आप बेशर्म हो आपको समझ में आया मेरी बहुत समझाया बस मैं अपने बाबूजी की इज्जत के लिए डरता हूँ। बोलती है अगर तुम ऐसा वैसा नहीं करोगे तो तुम लोग की इज्जत है इस गाँव में इज्जत तुम्हारी जो है ना मिट्टी में मिला दूँगी ऐसा बोलती है। फिर वो तभी मैं किसी से कह भी नहीं सकता किससे क्या कहूँ मैं। ऑफिस में जाओ दिन भर वहाँ दिमाग खपाओ वहाँ की सिरदर्दी दूसरा घर में आओ चैन से हाथ भी नहीं धो पाओ वो शुरू हो जाती है। आ गया मेरा लाल मेरा बाबू आ जा बैठ जा ये सब करने लगती है ड्रामे उसको देख के मेरा और खून खोलने लगता है। ज़िंदगी मेरी नरक हो चुकी है ना जीते बन रहा है ना मरते बन रहा है ऐसे मुसीबत में मैं पड़ा हुआ हूँ। दोस्तों बताइए इसमें भी इनका क्या गलती है? भाई को देखूं, बाबूजी को देखूं, अपनी जॉब देखूं, माँ को देखूं या इसको मैं देखूं, किसको मैं देखूंगा यहाँ पे? तो हम लोग क्या करें बताइए आप? आपसे जो भी हो सकता है सर वो हेल्प करिए। क्या कि आप लोग आपके पापा जी जमीन हम लोग एक्स्ट्रा कुछ कर भी नहीं सकते हम लोग बात करते हैं कोशिश करते हैं जैसे कैमरा भी लाए हर चीज़ रिकॉर्ड करेंगे तो अच्छे अच्छे लोग कैमरा के आगे ठीक हो जाता है लोग। तो एक काम करिए ना सर आप उनको बुलाइए। जी मैं बुलाइएगा तभी कुछ कर पाएंगे हम लोग। आने को तो आ जाएगी मैं उसे बोलूँ काफ़ी दूर आ जा वहाँ भी अकेली दौड़ती चली आएगी उसे बस मौका चाहिए कि मैं उसे अकेला मिलूँ बुलाइए ये मौका चाहिए। तो आपके पास टाइम भी है तो कैमरा भी लगवाए हैं बुलाइए आपके पास एक साबूत हो जाएगा अपने भाई को भी दिखा सकते हैं।
अपने पापा जी को भी दिखा सकते हैं जी। ये बात तो आप सही कह रहे हैं, आप पे भी कोई यकीन करने लगेगा जी हाँ मेरा बेटा सही है, आपके पापा जी भी यकीन लगेगा। क्योंकि आप लोग को हमने इसलिए बोला क्योंकि आप लोग हमेशा दूसरे लोगों की हेल्प करते हो, बाकी मैं अपने खानदान में रिश्तेदारी में कहीं भी नहीं कह सकता, और आप तो दूसरे की हेल्प करते हो, इतना भरोसा करके आए ना हमारे पास। बस 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 आप एक कॉल कीजिए, बाकी हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, हम लोग क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो सब हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। सर फोन तो मेरा ऑफिस में ही रह गया है, मैं आपके फोन से कर सकता हूँ। तो उनको डाउट तो नहीं होगा ना? नहीं नहीं बिल्कुल डाउट, मैं बोल दूंगा मेरे ऑफिस के दोस्त का नंबर है, ऐसा बोल दूंगा मैं। स्पीकर पर कर लीजिए। हेलो भाभी। हाँ जी मैं बोल रहा हूँ, पहचाना? हाँ पहचान। किसका नंबर है ये? ऑफिस के दोस्त का नंबर है। तुम्हारा नंबर कहाँ है? वो मेरा फ़ोन ऑफिस में ही छूट गया। अच्छा बताओ। मैं ये कह रहा था आप पार्क में आ सकते हो, अपने घर के पीछे साइड जो पार्क है। क्यों? कुछ बात करनी थी आपसे। आएंगे अभी 10-15 मिनट। ठीक है, जल्दी आने की कोशिश करिएगा। ठीक ठीक हाँ आ रहे हैं सर। फ़ोन पे बात करने में तो कुछ लग नहीं रहा है कि? नहीं सर आप नहीं समझोगे, ये बहुत तेज़ है, बहुत। आप देखोगे ना आप बोलोगे ये तो बहुत शरीफ है, लेकिन इसके अंदर की हरकतें मैं ही जानता हूँ सर, बहुत गंदी औरत है ये। कभी मेरा टॉवल पकड़ के खींचती है, कभी शर्ट पकड़ के खींचती है, मैं तो बस झेल रहा हूँ इसको। तभी तो मैंने आपसे बोला कि मेरा मर जाने का मन होता है कि मैं मर जाऊँ जाके कहीं पे भी। अभी तो मैंने आपको बोला कि मेरा मर जाने का दिल होता है, कहाँ मर जाऊँ जाके, मैं इतना परेशान हो चुका हूँ मैं। अच्छा कोई बात नहीं, आपको हम पे भरोसा है बहुत है, इसलिए मैंने आपको इतना ही रखी है, बाकी हम लोग को छोड़ दीजिए। दोस्तों आप लोग वीडियो के साथ बने रहिए, देखिए हम क्या करते हैं उनके साथ। ये आप एक काम कीजिए, माइक को छुपा लीजिए, यहाँ पे सब कुछ रिकॉर्ड करेंगे हम लोग। हम लोग अभी कैमरे के पीछे जा रहे हैं, हर चीज़ उनसे उगलवाइए आप, आपको कैसे टॉर्चर करती है, क्योंकि यहाँ पे करेंगी ना आपके साथ, मिसबिहेव करेगी तो सब कुछ रिकॉर्ड हो, कहीं भी शुरू हो जाती तो है, कहीं भी शुरू होगी तो हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे तो आपके पास प्रूफ हो जाएगा। अगर वो तो डायरेक्ट जब जाके वीडियो दिखाएगा ना अपने घर वालों को भी, आपको सब नहीं लगेगा तो उन पर लोग थू थू करेगा, तो आप डरिए बिल्कुल मत। आप अपने प्रूफ के लिए आप सब नॉर्मल हो जाइएगा, आपको अभी अभी सब जैसे करेंगे वैसे आपको करवाना है, ठीक है? बस आप बच बच के रहिएगा, उनको लगे नहीं कि कैमरा लगा है। A few moments later. आइए बैठिए। बताइए। कुछ बात करना थी आपसे, बताऊं क्या? आप क्या चाहती हो मुझे ये बताओ। आप दूर से ही बात करिए ना, बैठो। फिर वो आप घर की तरह हरकतें कर रही हो, ये पार्क है। बैठो बैठो। मैं बैठा हूँ, आप दूर से बात करिए। आप मैं बैठा हूँ ना, आप दूर से बात करिए, आप हाथ हटा के भी बात कर सकते हो। पहले मेरी भाभी, आप ये घर नहीं है। बैठो बैठो। मैं तो बहुत ज्यादा दुखी हो गया हूँ। कोई नहीं है, परेशान मत हो, मैं तुम्हारे लिए है, तुम मेरे लिए हो। भाभी ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मेरी बात, मैं तुम्हारे ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। मुझे ये बताओ मुझे में क्या कमी है? कमी कमी हो या ना हो मुझे भी देखना है ना, अपने बाबूजी की इज्जत देखना है ना। इज्जत देखना मेरे में क्या कमी है बताओ? कमी कुछ भाभी, आप दूर से बात करो प्लीज, दूर से बात करो। देखो मैं वैसे बहुत परेशान हूँ, बहुत ज्यादा परेशान हूँ मैं, बहुत अद गया हूँ मैं तुम लोगों से। नहीं नहीं उनमें कोई कमी है? कमी बताओ भाभी प्लीज, आप छोड़ दो मुझे प्लीज, आप छोड़ दो प्लीज, आप ऐसे बैठ के बात करो मेरे से। कमी है ये बताओ, ये सब क्या कर रहे हो? ये पार्क है भाभी, ये पार्क है। मैं उतनी देर से समझा रहे हैं, क्या समझा रहे हो? ये पार्क है, शर्म तो करो थोड़ी सी, आप मेरी माँ समान हो। कोई कमी है मेरे? अगर बाबूजी की इज्जत ना होती ना तो पता नहीं आपका क्या से कर चुका, मैं भैया से बोल चुका हूँ तब तक, सिर्फ बाबूजी की इज्जत के लिए मैं खामोश बैठा हूँ। शांति से बैठ जा, ऑफिस जाता हूँ वहाँ भी दिन भर में 10-10 बार आप फोन करती हो, क्या कर रहे हैं कहाँ है, इतनी भैया फिक्र की करते, भैया की फिक्र करती हो तुम इतनी। शांति से रिश्ता क्या है हमारा? मेरी इच्छा है, आपकी इच्छा है, हमारी इच्छा नहीं है ना, भैया के साथ इच्छा पूरी करो आप। नहीं भैया तुम्हारे दूर रहते हैं, दूर रहते हैं तो क्या वो आते नहीं है? तो शादी क्यों की भैया से आपने? क्यों शादी भैया के साथ की? मेरे साथ भाभी देखो नहीं प्लीज, हाथ जोड़ रहा हूँ आपके, हाथ जोड़ रहा हूँ। मैं कमी बता, ये सब क्या कर रहे हो? ये पार्क है, कमी पार्क है ये, कमी क्या है? शर्म नहीं आ रही आपको बिल्कुल भी? मैं कमी क्या है? शर्म नहीं आ रही है आपको? कमी क्या है? कमी क्या है? कमी क्या है? मुझे नहीं इंटरेस्ट है, मुझे नहीं इंटरेस्ट है इन चीजों में। मुझे तो है, जो मेरी बीबी आएगी मैंने उसके लिए प्यार रख रखा है अपना। भाभी बोल रहा हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ ना प्यार से भाभी, ये सब अच्छा नहीं है, भैया को पता चलेगा क्या होगा, भैया को पता चलेगा क्या कर लेगा भैया, भैया को पता चलेगा बहुत बुरा होगा आपका, बहुत बुरा होगा आपका, बहुत बुरा होगा। सिर्फ मैं बाबूजी की इज्जत के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ बाबूजी की इज्जत के लिए। नहीं कमी क्या है? कमी कुछ भी हो मुझे नहीं पसंद है, ये सब मुझे नहीं करना है। उस लड़की से शादी नहीं करेगा, मुझसे करेगा। क्यों करूँगा मैं आपसे?
मुझसे कराया। आप मेरे भाई की ऑलरेडी वाइफ हो तो मैं आपसे शादी क्यों करूंगा? क्या हो गया? मेरा भाई बाहर रहता है। तो बाहर रहता है तो ये पहले सोचना चाहिए था ना कि मेरा हस्बैंड बाहर जॉब करता है वो मुझे प्यार करेगा या नहीं करेगा। आपको मेरे भाई से प्यार करना चाहिए, आप मेरे ऊपर डोरे डालती हो। कितनी शर्म वाली बात है ये। भाभी मुझे ये सब नहीं पसंद है। कमी क्या है मेरे अंदर? आप मेरे भाई को प्यार करो, मुझे प्यार करने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं करता हूँ, मैं नहीं करता हूँ। बाहर रहता है, आपने शादी क्यों की? आपने शादी क्यों की? कमी क्या है? कमी क्या है? मैं उसे बोल दूं? मैं उसे बोल दूं? कितने घर बर्बाद होंगे? नहीं उस लड़की, मैं ड्रामा कर देंगे यहाँ पे अभी। क्या ड्रामा करोगे? क्या ड्रामा करोगे? आप कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ कुछ नहीं कर सकता है। क्या नहीं कर सकता हूँ मैं? करने को बहुत कुछ कर सकता हूँ, सिर्फ बाबूजी की वजह से। जैसे कहेंगे तैसे करेगा, क्योंकि उनकी गांव में बहुत इज्जत है, इसलिए मैं खामोश हूँ। इज्जत है, इज्जत। वरना अभी तक भाई से बोल के फड़वा देता था, तभी भी वैसे ही है। मैं जैसे कहेंगे तैसे चलेगा, नहीं हो पाएगा। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। जबरदस्ती है, कैसे करा लोगे? कैसे करा लोगे? अपनी मर्जी से नहीं करा सकते आप? जबरदस्ती करा लेते, कोई भी नहीं रोक सकता है। मेरी बात सुनो, मेरी शादी ऑलरेडी लगी हुई है। मैं क्या कमी है उस लड़की में? क्या है मुझ में? क्या कमी है? बहुत बहुत अच्छी, मैं उससे प्यार करता हूँ। नहीं करने देंगे साथ? क्यों नहीं करने देंगे? नहीं करने देंगे, मुझसे करेगा, मुझसे। मैं नहीं कर सकता, नहीं। ये नाटक करूंगा? ये क्या, ये नाटक, ये ड्रामा क्या है? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। ये बदतमीजी क्या, ये बदतमीजी क्या, ये बदतमीजी क्या? पार्क में देखो, हाथ ना उठाना भाभी, हाथ ना उठाना, बता रहा हूँ मैं। ओ हाथ ना उठाना भाभी, समझा रहा हूँ मैं। ओ मार क्यों? ओ भाभी समझा रहा हूँ मैं आपको। देखो बहुत पछताओगे बाबूजी। भैया भैया को पता चला ना? भैया को पता चला ना? नहीं पछताएंगे, अब पता चलेगा तुम्हें। आप भी देखिए क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो बताओ ना? इसका भाई रहता नहीं है यहाँ, क्योंकि मैं इसको पसंद करती हूँ। ये मेरे आधार पर चलता नहीं है। मैं कैसे? क्या बोल रहे हो? आपको समझ क्या बोले? क्या बोल रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं उसको समझा के आ रही। अब उसकी कौन जिंदगी मेरी बर्बाद कर दी? एक सेकंड भैया, बात कर दो भैया। आप बैठो, अब गुस्सा मत करो। जिंदगी बर्बाद कर दी यार, ऐसी भाभी ना हो तो ठीक है। आप रोना नहीं है भैया, भैया हम बोल रहे हैं ना, आप हमें भरोसा करके आए हो ना। थरो मत प्लीज, हमको बात करने दो भाभी। ठंडे दिमाग से हमसे कुछ देर बात कीजिए बस। बोलिए बोलिए। आप उनके कौन हो? देवर लगता है मेरा। देवर बेटा समान होता है ना? हाँ, बेटा समान होता तो क्या हो गया? तो आप क्या बोल रहे हो आप उनके साथ? देवर ही नहीं लगता है भैया। दो मिनट नहीं, नहीं भैया, दो मिनट रुकिएगा। भाभी 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 इधर सुनो ना, आपका देवर है ना? हाँ। देवर बेटा समान होता है ना? आपके पति आपको घर पे छोड़ किस लिए गए हैं? उनके बाप का नाम है गांव में। कोई इच्छा पूरी होती है? इसका भाई रहता नहीं है, वो बाहर करता है जो। अपना उम्र देखो कभी, इस उम्र में कौन सा इच्छा? उम्र कुछ नहीं होती है इसमें, उम्र कुछ नहीं होती है। बात करने में शर्म नहीं आ रहा है आपको? ऐसा बात नहीं, इसमें उम्र कुछ नहीं होती है, उम्र वाली तो बात ही नहीं है। इसको समझा के हारी खा। देख रहे हैं आप इसका ड्रामा? ये भाभी कलंक है भाभी के नाम पे। इसको समझा के हारी खा गए, इसके समझ में नहीं आती है। आपको भाभी का मतलब ही पता नहीं? हमारे बिहार में भाभी को माँ का दर्जा दिया गया, बड़ी भाभी को। कुछ भी सही, आप उस नाम पे कलंक हो। आपके पति वहाँ पे, इस उम्र में आपके पति छोड़ गए ना, शर्म नहीं आ रहा है आपको? उस इंसान को परेशान कर रहे हो, जिस समाज में आप लोग रहते हो ना, उस समाज में जाके पूछो बड़ी भाभी का इज्जत क्या होता है, तब आपको लगेगा कि आप गलत कर रहे हो। आप भाभी माँ समान होती है, जो कि आपके दिमाग में तो खोपड़ी में डूब नहीं रहा है। क्या किया है वो? आपने जो किया ना, वो गलत किया है। आप गलत कर रहे हो। वो मैं नहीं कर सकता। पागल हो गए हो? क्या कर रहे हो? अपने पति को जीतते जीत धोखा दे रहे हो ना। उस इंसान को अगर लगेगा तुम उनके नहीं आ रहा, क्या कर रहे हो? आप तो धोखा दे रहे हो ना। पत्नी का मतलब जानते हो? जब साथ फेरा लिया जाता है ना, तो पंड हमको, मेरा तो शादी हुआ नहीं है, लेकिन जितना मेरा नॉलेज है ना, जब साथ फेरा लिया जाता है, साथ उसमें वचन भी लिया जाता है, जिसमें एक वचन वो भी होता होगा कि पति के साथ कभी झूठ नहीं बोलना है, जो आप अभी कर रहे हो। पति मेरे बारे में नहीं सोच रहा था? पति आपके बारे में अगर नहीं सोचता तो बाहर कमाने ही नहीं जाता है। एक एक महीना अपने परिवार से दूर रहता है, किसके खुशी के लिए रहता है? ये जो साड़ी आप झमका रहे हो, किसके कमाई का झमका रहे हो? ये उसकी कमाई अपने मायके भी भेजती है उससे छुपा के। कहां से आता है? क्या बोलूं मैं? भाभी भाभी आप ऐसा मत करो ना भाभी, प्लीज मत करो यार भाभी, समाज खराब होगा भाभी। भाभी देख, आपका बेटा है, उसका अपने बेटे, वो अगर सोचेगा कि मेरी माँ ये है तो क्या बोलेगा आप बताओ? कुछ नहीं पता चलती है, जो अपनी राजी है तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। मनो चाहता है नहीं, ये चाहता नहीं। दिमाग में भूसा भर गया का तुमको? हाँ, इज्जत से बात करते समझ में नहीं आ रहा है? नहीं समझ आएगा उसकी, नहीं समझ आएगा, भूसा भर रहा है इसका। मैंने क्या चाहते हो आप? मैंने उनसे शादी करना चाहते हो?
आपको पता है ना उसका शादी भी, उनका शादी भी होने वाला है। तो उसमें क्या रखा है बता? भाई जो देखो तो ऑफिस में वो बंदा परेशान होता है, घर पे आते तो आप परेशान करते हो, क्या मिलेगा आपको ये सब करके, क्या मिलेगा क्या? और दूसरा बोल रहे हैं जहाँ शादी लगी है उससे शादी नहीं करेगा, शादी करने देंगे, शादी नहीं करने देंगे इसकी। आप रोक लोगे? हाँ रोक लेंगे, इसकी जिंदगी बेकार कर देंगे। मतलब प्यार नहीं किया तो मेरी जिंदगी ये बर्बाद करेंगे, इनकी इच्छा पूरी करते रहो। हाँ, इसको तुम्हारी जिंदगी अगर बेकार हो जाए तो कितनी अच्छी लगेगी। भैया इनके बेटा को बुलाओ ना, अपने बेटा के सामने सब बात समझो ना। 10 साल आपका जब बेटा देखेगा ना 10 साल में तो आपको लगेगा कि आप गलत कर रहे हो। जब आपका बेटा बड़ा होगा और वो देखे कि मेरी माँ का चरित्र नहीं दाग है तो क्या सोचेगा बताओ ना। हे मेरी माँ तो चरित्रहीन है, वो बहुत समझदार है अपने जगह पे। गलत आप हो, गलत कर रहे हो आप। भाभी का मतलब ही पता नहीं है आपको। भाभी माँ समान होती, पागल हो गया, दिमाग नहीं है, दिमाग नहीं है आपके पास। क्या कर रहे हो भाभी, समझो ना भाभी। नहीं आप ही समझाओ इन्हें। अब जिस समाज से आप लोग बिलोंग करते हैं ना, उस समाज में ये सब नहीं चलता है। यहाँ तक क्यों आया, यहाँ मुझे क्यों बुलाया, आपसे क्यों कंप्लेंट डाली? वो परेशान हो चुके हैं अपने लाइफ से, तब आप हमको बोले हैं। तुम लोग यही चाह रहे हो ना, मरे मर जाएंगे तब ठीक हो जाएगा आपको। ये आपके दिमाग में जो कीड़ा भरा है ना भाभी, उसको पहले निकालो। बहुत दूर भाभी, आपके जो दिमाग में भी कीड़ा भरा है ना, उसे निकाल दो। तो मैं शुद्ध करूं ये सब कुछ कीड़ा, मैंने आपको शायद अभी नहीं मानोगे अपना। नहीं माने, कतई नहीं माने। इसको मार भी लिया, सब भी कर लिया, तब ये अपनी मुझे जो है ना मौत के घाट उतारना चाह रहे हैं। इससे बढ़िया मैं मरी जाऊंगा तो ही वो अच्छा रहेगा। तो मर जाओ, तायो क्यों हो, तो मरो जाके। तो आप समझाओ उसको। ए यार तो तुम मर जाओ, मर दो, मार दे, सो जाएगा, तो हो जाएगा। मर जाके जा, मर जाके। भाभी बोलो मत, बीच में बोल रहे ना शांत रहने के लिए। भाभी बोल रहे ना शांत रहो, रात नहीं उठा रहे उसका मतलब यार। बोलो तब हमको, काले बुलाए हो आप लोग, जब आप लोग को बोला तो बोलो आप लोग। समझाओ, समझा रहे हो ना अभी? समझाओ, मैं नहीं बोलूंगा। तो बोलो मत बीच में यार, भड़का दे रहे हो बोल बोल के। समझा रहे थे, समझा रहे थे। समझाओ, आप ही समझाओ। बोलो मत, बोल रहे ना, बात कर रहे हैं ना, करो बात। भाभी बैठो, भाभी ठंडे दिमाग से है ना, एक बार सोचो। आपको मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप सोचो एक बार कि आप जो भी कर रहे हो, या गलत कर रहे हो या सही कर रहे हो, आप एक बार सोचो बस, दूसरा कुछ नहीं बोल रहे हैं। आप एक बार सोचो बस, 2 मिनट का मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। आप जो भी कर रहे हो ना, वो गलत कर रहे हो या सही कर रहे हो, आने वाले समाज को आप क्या मैसेज दोगे? जो आपका बेटा होगा उसको क्या बोलोगे कि बेटा मैं अपने पति के साथ धोखा दिया तुम्हारे, तुम 10 साल होने के बाद मैं इसको बाजी कर रहा। से समझाया था, यानी किसी को पता भी नहीं चलेगी, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है? अभी भी वही चल रहा है दिमाग में? नहीं, दिमाग में नहीं, जो हम समझा रहे इसके आप तक कंप्लेंट पहुंच गई, इसने आप तक कंप्लेंट डाल दी, पार्क में बुला के आपको मेरी शिकायत कर दी। बेटा अभी तो हमको बोले बेटा के साथ ऐसे कर लोगे क्या? एक सेकंड भैया, मान लो अभी तो ये हमको आगे बताएं, अगर पूरा समाज को कहीं गलती से पता लग जाता, अभी तो ज़्यादा बिगड़ा नहीं है, ज़्यादा बिगड़ने के बाद पूरे समाज को पता चल रहा था, क्या समाज में आप लोगों का इज्जत हो रहा था? बताइए ना, समाज में क्या इज्जत रहता है? आप इसका सही नाम बताओ, क्या करना चाहिए? आप पहले ठंडे दिमाग से 2 मिनट सोचो, उसके बाद आप खुद बताना हमको कि आप जो कर रहे हो सही है या गलत है। गलत जो होता है ना, कभी गलत ही होता है, कभी वो सही का तुलना नहीं कर सकता। तो आप जिस रास्ता पे चल रहे हैं ना, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों आपका बदनामी होगा उसको, जो कि आपके परिवार, आपके बच्चे, उसके बच्चे, वो क्या क्या लोग बोलेंगे कि जिसकी मम्मी कहीं चरित्रहीन था, वो क्या चरित्रमान होगा? तब एक बार 2 मिनट ठंडे दिमाग से सोचो, उसके बाद हमको बताओ कि आप जो कल रहे हो, कर रहे हो, गलत कर रहे हो, सही सोचो पहले। कहीं का इधर उधर का टेंशन जो ना, पहले दिमाग निकाल के आप 2 मिनट सोचो, हम 2 मिनट का आपको टाइम दे रहे हैं, सोचो। भी आपके बेटे जैसे हैं, अगर आपके बेटा होते इस जगह पे तो आप उनके रिलेशनशिप में आती? बेटे के साथ कोई रिलेशनशिप में आता? नहीं आता ना, तो वो भी आपके बेटे ही हैं एक तरह से मान। देवर जो होता है ना, बेटा ही होता है। हम सोचो, आप सोचो, आप रो बन रहे, बिल्कुल साइड में उदास। मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई भाई। अब आपने समझाया, अगर उनके समझ आता है तो ठीक है, वरना मैं ये घर छोड़ के ही चला जाऊँगा, अपने बाबूजी को लूँगा, घर छोड़ के ही चला जाऊँगा। रहो किसके आसरे रहोगे? बस थोड़ी सी परेशानी आई और टूट गए और घर छोड़ने की बात कर दी है? जिस देख बात करें भैया, भगवान परीक्षा लेता है कि ये झेल रहा है कि नहीं झेल रहा है। अगर आप हार जाओगे ना तो आप टूट जाओगे। तो भगवान से बोलो आप कि भगवान अभी हम हारे नहीं हैं,
आपको और मुसीबत देना है तो आप दो, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। अरे भगवान हो राजी तब भी हो जाएगा, ये शैतान जैसे लोग। कोई बात नहीं, भगवान ही भेजे हैं इनको आपको परेशान करने के लिए, कि अपने लक्ष्य से पीछे तो नहीं हट रहे हैं ना आप। अगर अभी आप टूट जाइएगा ना, अभी पीछे हट जाइएगा, तो आप ज़िंदगी में कभी भी सफल नहीं बन सकते हैं। तो भगवान से बोलिए कि भगवान अभी हम हारे नहीं हुए हैं, लड़ेंगे जब तक दम रहेगा ना सांस में जब तक जन दम रहेगा तब तक लड़ेंगे हम, तभी आप हारिए मत बिल्कुल। सोच लिए भाभी, बताओ आप। अब आप बताओ मैं क्या करूं। हम क्या बताएं, आप बताओ ना। आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो। नहीं सही तो नहीं कर रहे, ये मुझे भी अफसोस हो रहा है। चक्कर क्या, मैं इसे प्यार कर रही हूं, इसके समझ में नहीं आ रहा। अब आप बताओ मैं क्या करूं। मान लो आपके पति एक 10 साल का बच्चा भी है, उसके रहने के बावजूद आपको प्यार करना गलत है या सही है? प्यार कभी दिल नहीं पूछता। तो प्यार कभी उम्र भी नहीं, उम्र देखता है ना। पति के होने के बाद कोई प्यार नहीं करता है, ये कहाँ से प्यार जग गया आपका? इनका 10 साल का बच्चा भी, आपका पति भी है, 2-3 दिन आता ही महीना में आपके लिए ना बाहर गए वो इंसान कमाने, तो उसके बाद आपको प्यार हो गया। प्यार बचपन में होता है, 65 साल 50 साल की उम्र में कोई प्यार नहीं होता है। इस उम्र में किसको प्यार हुआ है? आप अभी इनको भुला जाओ, इसका ही रहा अपने परिवार को लेके चलो। इनको जो आप जो प्यार करते हो ना, वो प्यार एक देवर के रूप में करो, एक बेटा के रूप में करो। प्यार करते हो, प्यार देखो, प्यार का बहुत तरीका होता है। एक प्यार तो आदमी अपने हस्बैंड से करता है, एक प्यार अपने बेटा से करता है, एक वही प्यार अपने देवर, जो देवर भी बेटा के समान होता है, देवर से करता है। तो आप देवर बेटा के समान कीजिए ना। मान लीजिए मेरा बेटा है तो प्यार कीजिए इनसे, आपका परिवार उस तरह चलेगा, आप लोग खुशी से रहिएगा, अपने लाइफ में और आगे बढ़ सकते हैं आप। समझ रहे हैं आप? तब इसके बाद से नहीं ना कीजिएगा। चलो नहीं, अब कुछ ऐसी गलती नहीं कर रहा। हर यहाँ मैंने कैमरा भी लगवाया था, रिकॉर्ड भी कर रहा था। अगर आप कहिएगा तो मैं ये वीडियो डालूंगा कि लोगों के पास मैसेज जाए। अगर आप कहिएगा तो नहीं तो हम डिलीट कर देंगे, नहीं। कोई और इंसान ऐसा ना करे। नहीं ऐसा कोई नहीं करे। वीडियो डालें या नहीं डालें? नहीं डालें वीडियो। अच्छा आप बोल रहे एक दिन हम नहीं डालेंगे वीडियो। भैया तो आप लोग खुश रहिएगा, बाहर चलाइए, टेंशन बिल्कुल मत दीजिए। भाभी भी मान गई? भाभी मान तो गई, बस आप बस इनसे लास्ट बार ये कह दो कि अपने मन में कोई हमारे लिए गंदी सोच ना रखें। बस नहीं ना रखिएगा, नहीं रखें ना गंदा सोच मेरे बारे में बस। ठीक है आप लोग जाइए, बिल्कुल खुशी खुशी जाइए। थैंक यू भैया, आपने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी, आपका ये मैं एहसान कभी नहीं। कोई बात नहीं, कि और लोग भी नहीं देखे भाभी ऐसी गलती कर रही हूँ। अभी तो आप मना कर रही थी नहीं डालने के लिए, डाल दे सर वीडियो डाल। भाभियों को अकल आ जाएगी। हाँ ये तो बात सही है, सही बात है। हाँ। तो जो भाभी भी बोली कि मान लीजिए अगर कोई ऐसा मत करो यार, किसी के साथ भी आप भी मत करो। नहीं करेंगे। मत करो आप, क्या कि भाभी का जो रिश्ता होता है ना बहुत पवित्र रिश्ता होता है। हाँ। इसको आप बदनाम कर रहे हो, मत करो। हाँ ये सबसे बड़ी बात है। अगर नहीं, एक कहावत है कि सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाता है ना तो उसको भूला नहीं बोलते हैं। अगर आपसे गलती हुआ उसको आप मान लिए हो ना, सबसे बड़ी बात है। गलती हो गई, चलो कोई बात, चले कोई दिक्कत नहीं ना। अब भाभी अब इनको आप बेटा के समान प्यार कीजिए। टेंशन ठीक है, ठीक जाइए, ठीक थैंक यू, ठीक है, थैंक यू भाई।